जनाब स्पीकर साहब, एक दो बातें बड़ी खूबसूरत यहाँ पे नस्ल ज़ेरे भी आ जाएंगे। 2013 से 2018 तक वो एमपीए थे और वो इन बेंचेस पे इक्तदार के झूले में बैठे हुए थे। उस वक्त तो ना उनको जमहूरियत याद थी, ना एथिक्स याद थी, ना चादर और चारदीवारी याद थी। उस वक्त तो बड़ी खुशियां मनाते थे, अब सुन रहे होंगे कहीं पे। 2013 तो इलेक्शनों में गुजर गया, पहला इलेक्शन था, फिर गवर्नमेंट साजी, उसके बाद बलदियाती इलेक्शन। 2014 जैसे लगा तो उन्होंने मेजे उनकी और उनकी हुकूमत ने, पता नहीं कहता है कि वो हिरन की तरह, कि वो तुम्हारा बाप था जिसने मेरा पानी गदला किया था, तो उसका बदला लिया इन्होंने मुझसे, इनकी हुकूमत ने, मालिक की सरबराई में पश्तूनख्वा मैप, नेशनल पार्टी और वगैरह वगैरह ये थे। मेरे घर पे रेड किया गया, चादर चारदीवारी की धज्जियां उड़ाई गई। उस वक्त इनको पुलिस याद नहीं थी, केस मुझ पे बनाए थोक के हिसाब से, एक तो परचून का हिसाब होता है, एक आध दो दो थोक के 22-24 केस बना दिए। इन लोगों ने एक लफ्ज नहीं कहा मुझसे हमदर्दी का। आज तो जो लोगों पे अगर किसी पर केस बना भी है क्रिमिनल, उन्होंने क्राइम किया है। एक रियासत है, उसका एक कानून है, उस कानून का चाहे वो कोई लीडर है चाहे कोई आम पब्लिक है, उसकी पाबंद है, रियासतें ऐसे चलती हैं। तो अगर किसी पर केस बने, वो अदालतों में जाएं और उन्होंने अगर किसी ने गैर ज़रूरी तौर पे जुलूस निकाला या कोई हुआ या किसी का मावरा अदालत कत्ल हुआ, जनाब स्पीकर साहब, इनकी सिटिंग गवर्नमेंट ने 5 साल तक क्या क्या नहीं किया है। जमरुख खान के साथ क्या नहीं हुआ है, जमरुख खान का 22 सेनेटर था, उसके साथ क्या नहीं हुआ है, बाकी साथियों के साथ क्या नहीं हुआ, हम वो चीज़ नहीं करेंगे। हमने इस बलूचिस्तान में रहना है जनाब स्पीकर साहब, हमें एहतराम है इस सूबे का, इस मिट्टी का एहतराम है, इसमें बसने वाले लोगों का एहतराम है। हम मौके पैदा करेंगे, जो हमसे रूठे हुए हैं हम उनको मनाएंगे, जो पहाड़ पे बैठे हैं कोई रोजगार के मौके के सिलसिले में, कोई माशी की तरक्की के हवाले से अगर कोई उसके दिल में खलश, हम उनको लाएंगे, हम प्यार से लाएंगे। हम बंदूक वाले नहीं हैं, हम प्यार बांटने वाले लोग हैं। हम खूबसूरत तरीके से हम उनके पास जाएंगे, वो हमारे भाई हैं। चाहे यहाँ पे बलूचिस्तान में पश्तून बसता है, बलोच बसता है, ब्रावी, सिंधी, सरायकी, हजारा, कोई भी, उसका इतना ही हक है जितना मेरा है, जितना आपका है, उसका भी इतना ही सरजमीन पे हक है। तो मैं आज का एजेंडा, इन्होंने खुद पीएसडीपी तस्लीम कर लिया, बीडीए के मुलाजमीन ने हड़ताल ख़त्म कर दी, एनएफसी अवार्ड में गारंटेड है हमारा जो हिस्सा है, अगर बाकी सूबों को उनके हिस्से के मुताबिक देंगे, हमारा जो वो फिक्स किया हुआ है वो मिलेगा, हमें इस साल में मिलेगा। हम फाइट करेंगे। पीएसडीपी में मेरे कायद ने कहा कि 80% हम जो है ना, इस दफ़ा हमारे कहने पर, उन्होंने पहले वहाँ पे बैठ के वो भंग के जंगलात हैं उधर, उनको खुशबू लगती है तो आधे नशे में होते हैं ना, वो बना देते थे। आज आपकी ये मुंतखब लोग गए हैं, इनकी तजावीज़ को उन्होंने अहमियत दी है, चाहे रोड सेक्टर है, चाहे डैम है। उस वक्त तो 300 डैम एक सब तहसील में लेके आते थे, ये दो बंदी में 300 डैम एक छोटी सी सब तहसील, और बारखान डिस्ट्रिक्ट पूरा, कोलू डिस्ट्रिक्ट, तुरबा डिस्ट्रिक्ट, फिलाना, एक डैम नहीं था। हम वो चीज नहीं करेंगे। मैं ऑन बिहाफ ऑफ माई कैद, मैं अपने फाइनेंस मिनिस्टर के बिहाफ पे कह रहा हूँ कि हम हर मोड़ पे इंशाल्लाह आपको साथ लेके चलना चाहते हैं। हमें आपका हद से ज्यादा एहतराम है, हर लिहाज से एहतराम है। मैंने पहले भी कहा, डे वन से मेरे पास इस वक्त 2 मार्क में है, मैंने कभी सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने कहा जिसका हल्का है वो उसका, जो तजावी जो सिलसिला होगा उसका होगा। मेरे साथियों को भी यही नजरियात है, मेरे जो जितने कुलीग बैठे, मेरे कायद का जो हुक्म है, मेरे जो लीडर ऑफ द हाउस का हुक्म है, हम सब पाबंद हैं। तो लिहाजा आप लोगों ने इजलास रिक्वेस्ट किया, इसमें 2-3 आइटम तो आपके ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं। लॉ एंड ऑर्डर, जी सर, लॉ एंड ऑर्डर का आपने निशानदेही की, इनकी बीबी ने कोचेस का हवाला दिया है, कबाली झगड़े हैं बीबी, इनमें आप ना पढ़ें। कोई मेरा भेड़ बकरी ले जाएगा
मैं खामोश हूं तो दूसरा जो है ना, दूसरे की अगर एक मुर्गी चली जाती है वो धाड़ धाड़ करता है तो फिर आप उसको मद्देनजर रखेंगे? ये प्लीज, ये चीजें, ये कबाली है, ये हमारे आज के नहीं है, 100 साल 200 साल 500 साल 1000 साल से ये चल रहे हैं, आगे चलेंगे। ये कोई नहीं कबालियत को, ये जाति दुश्मनियाँ, ये कत्ल, ये बकालते, ये चोरी, ये डकैती, ये चलता है हर माशरे में है। अमेरिका में जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहाँ आता है, बरतानिया में होता है, सऊदी अरब जहाँ पे खाली आप बात करें गर्दन उतार देते हैं वहाँ पे ये चीज़ें होती हैं। तो शुक्रिया सरदार साहब, मेरा मशवरा है खातून से कि किसी की कबालियत में मत दखल मत करें। बाकी लॉ एंड ऑर्डर इंशाल्लाह हमको मेरी बात कंप्लीट कर लें फिर। आपने पीसी होटल की भी बात की जहाँ पे आपने एक ऐसे स्टूडेंट के भी पढ़ा है, हमने भी देखा सोशल मीडिया पे गलत हुआ है, अगर उसको गलत कोट किया है तो उनको माजरत करनी चाहिए, उसको इनको वापस अपने सारा सिलसिला, चाहे आर्मी ने किया है, एजेंसी ने किया है, सिविल ने किया है, किसी ने भी किया, गलत है उसको हम भी गलत कहते हैं। बाकी जहाँ तक सवाल है लॉ एंड ऑर्डर का, आज आप देखें सरदार साहब, उन पर मेरे ख्याल से होम मिनिस्टर साहब बोल रहे हैं कि मैं इन पर जवाब दे, पिछले देखे वो होम मिनिस्टर अच्छी तरह बात कर सकते हैं। बहरहाल मैं साथियों को फिर कहता हूँ कि आप हमारे साथी, आप हमारे लिए काबिल एहतराम, हमारे लिए